नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल धर्मेंद्रगण में। जी हाँ मित्रों, DLED सेमेस्टर बोर्ड को लेकर के आपका जो ऑफिशियल लेटर है यानी शासन आदेश ऑफिशियल SCERT के माध्यम से जो जारी हुआ है वह जारी हो चुका है मित्रों, जिसमें आपको किस तरह पर किस आधार पर प्रमोट किया जाना है सभी कुछ अंकित है और वह प्रथम व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में स्पष्ट तरीके से अंकित है मित्रों। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों चलिए देर न करते हुए आरंभ करते हैं आज का टुडे का जो लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए DLED विद्यार्थियों के लिए। तो मित्रों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टुडे की ही डेट है जो कि अनुभाग चार सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अवशेष परीक्षाओं को संपादित कराए जाने के संबंध में सुझाव दिशा निर्देश प्रयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 30 जुलाई 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आदि आप सभी लोग देख पा रहे हैं किस तरह प्रमोट किए जाने के संबंध में शासन आदेश कक्षानुति यानी प्रमोट किए जाने के संबंध में सम्यक आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सत्र 2019-20 एवं 20-21 की अवशेष परीक्षाओं को संपादित कराए जाने परीक्षार्थियों को कक्षानुति यानी प्रमोट किए जाने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है। क्या कुछ निर्णय लिया गया है मित्रों? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपका DLED के लिए है, DLED प्रशिक्षण वर्ष 2018 यानी तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संबंध में। तो DLED प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अहर प्रशिक्षुओं जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हों, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से अंकित कर दिया गया है समस्त विषयों में उत्तीर्ण हों के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति यानी कि प्रमोट प्रदान किया जाए, ठीक है। विशेषकर मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए वक्तव्य के वह प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में आपको उत्तीर्ण होना बेहद आवश्यक है, ठीक है। और जाए तथा तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित परीक्षा अक्टूबर 2020 में तत्समय COVID-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित करी जाए, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित करी जाए, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया था, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और वहीं पर DLED प्रशिक्षण वर्ष 2019 प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के संबंध में, तो DLED प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रथम सेमेस्टर के प्रश्नों को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए तथा यानी 100% का मतलब होता है सभी को, ठीक है, तथा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है तत्समय COVID-19 महामारी के बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए, तो प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही, ठीक है, तो आप सभी देख पा रहे हैं द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे जिसकी परीक्षाएं मार्च 2020 में प्रस्तावित थी, यानी कि जो पहले से जो डेट पोस्टपोन हो गई थी मित्रों। तो आदि सब्जेक्ट के बारे में और भी दिया हुआ है यहाँ पर जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट था मित्रों, जो इसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रही है मित्रों। तो वीडियो पसंद आता है मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।